आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के तहत शहर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। इन दिनों पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में आज रीवा में भी अखिल भारतीय परिषद द्वारा 50 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो संपूर्ण नगर में भ्रमण करने के बाद समाप्त हुई। बता दें कि 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए 75वीं वर्षगांठ से एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज रीवा में भी कॉलेज चौराहा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 50 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो संपूर्ण नगर का भ्रमण कर कॉलेज चौराहा पर समाप्त हुई। इस यात्रा का उद्देश्य अपने उन शहीदों को नमन करना, क्रांतिकारी भाइयों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित करना था, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज 50 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा छात्राओं द्वारा निकाली जा रही है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं पूरे साल भर से, और उसी उपलक्ष्य में ये यात्रा है। हम अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं, अपने उन क्रांतिकारी भाइयों को याद करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? ये यात्रा विवेकानंद पार्क से विद्यार्थी परिषद ने शुरू की है। पूरे नगर का भ्रमण करते हुए इस यात्रा का समापन कॉलेज चौराहा पे है।